विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोविड 19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने में अभी लंबा वक्त लगेगा और टीका आने के बाद ही इसमें तेजी आएगी। कोविड 19 के खिलाफ बड़ी आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने को ही हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। स्वामीनाथन ने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी की अवधारणा के लिए 50 से 60 फीसदी आबादी में प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि टीके से ऐसा करना ज्यादा आसान हो जाएगा, हम इसे तेजी से पा सकते हैं जिसमें लोग बीमार न पड़े और मौत न हो, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी को नैसर्गिक संक्रमण के माध्यम से प्राप्त करना ज्यादा बेहतर है। संक्रमण के कई चरण आएंगे और दुर्भाग्य से हमें लोगों को मरते हुए देखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ समय में लोगों में प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लग जाएगी। हमें कई प्रभावित देशों की स्टडी से पता चलता है कि सामान्य तौर पर आबादी के 5 से 10 फीसदी लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है, कुछ जगहों पर ये 20 फीसदी तक भी है। उन्होंने कहा कि अगर क्लिनिकल परीक्षण सफल होते हैं और इस साल के अंत तक कुछ टीके भी आ जाते हैं तो हमें अरबों खुराक की जरूरत होगी जिसमें वक्त लगेगा।